नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। दतिया कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक साथ चार लड़के व लड़कियों को रंग रैलियां मनाते हुए पकड़ा है। हैरत की बात यह है कि ये सब पुलिस की नाक के नीचे होता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। पुलिस लाइन के पीछे हो रहे इस गोरख धंधे को शक के आधार पर रहवासियों ने कई बार बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दतिया की नाज समाज सेवी संस्था की आड़ में यह गलत काम होता रहा, जिससे यह धंधा फलता फूलता रहे। आखिरकार आम लोगों का दबाव पड़ा और कोतवाली पुलिस टीआई शेर सिंह ने कार्रवाई करते हुए कमरे से चार युवक अवधेश, विक्रम, उमाचरण, सुरोवन के साथ युवती को रात 1 बजे छापा मार कर पकड़ा। पुलिस ने जब यह कार्रवाई की तब सभी लड़के शराब के नशे में धुत थे। इस कार्रवाई के दौरान एक मोटरसाइकिल और एक कार बरामद हुई है। संभव है ये वाहन लड़कियों को यहां लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाते होंगे। पूरा बताएं। इसमें जो है पुलिस लाइन दतिया के पीछे कुछ आम पब्लिक ने रात को सूचना दी थी कि 4-5 लोग जो है एक कमरे के अंदर एक महिला के साथ कुछ व्यवचार कर रहे हैं। सूचना पर जाकर के दबिश दी थी कि वहाँ चार लोग मिले हैं, जिनके नाम अवधेश, श्रोमन, उमाचरण और विक्रम। ये अलग अलग गांव के रहने वाले, दांगी जाति के, और एक महिला के साथ मिले थे जो रात्रि में शराब पी रहे थे। महिला बैठी हुई थी। क्या महिला का मेडिकल कराया? महिला ने मेडिकल कराने से मना कर दिया, मेडिकल नहीं कराया। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई महिला की रिपोर्ट के अनुसार जो है TRPC में कार्रवाई की जा रही है। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।